हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ये आपका आर एस अग्रवाल से कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आर एस अग्रवाल का। आप देखें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इन ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ एंगल ए इक्वल्स टू 2x प्लस 5 एंड एंगल बी इक्वल्स टू 3x माइनस 5 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द मेजर ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। आप समझे ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इस पैरेललोग्राम का एंगल जो है दिया हुआ है वो ए का वैल्यू दिया है 2x प्लस 5 डिग्री दिया हुआ है। बी का वैल्यू कितना है 3x माइनस 5 डिग्री, ठीक है, 3x माइनस 5 डिग्री ये दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द मेजर ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप समझे यहाँ पे ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। और पता होगा पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, ठीक है। ये पैरेलल भी है और ये क्या होता है, इक्वल भी होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एंगल ए डी पैरेलल टू क्या है बी सी, एंड ए बी क्या है, एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो आपको पता होगा जब ऐसा हो जाए, ट्रांसवर्सल लाइन जब ऐसा हो जाए तो एंगल ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा 180 होगा। ये रीजन क्या होगा, कोइंटीरियर, ये आपका हो जाएगा को इंटीरियर एंगल। अब यहाँ से एंगल ए का वैल्यू पुट करें आप, क्या आएगा 2x प्लस 5, और बी का कितना है 3x माइनस 5 इक्वल्स टू क्या होगा 180। तो यहाँ पे इसको 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3x कितना होगा 5x इक्वल्स टू 180। सो x इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स क्या होगा 36। ए का वैल्यू कितना आ गया 36 आ गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, एंगल ए एक्स आ गया तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा, आप देखें एंगल ए इक्वल टू ए का वैल्यू पुट करेंगे आप, एंगल ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, और ये आपको पता होगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, ये आपका इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा एंगल सी, और इसका वैल्यू कितना है 2x प्लस 5। तो x का वैल्यू कितना है 2 × x का वैल्यू कितना है, x का है 36, तो ये हो गया 36 प्लस 5, तो 36 तो हो जाए 72 प्लस 5, तो ये होगा 70 93। और एंगल d इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल d, और ये वैल्यू कितना है 3x माइनस 5, तो ये होगा 3 × 36 माइनस 5, तो 36 × 3 = 108 माइनस 5, तो ये होगा कितना 108 में ये होगा 103 डिग्री हो जाएगा। फाइंड एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ये आपका दिया हुआ है। आप समझे क्या दिया हुआ है इसमें, आप ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इस पैरेललोग्राम में आपका एंगल ए और ये बी, ये क्या है सी और ये डी है, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल दिया हुआ है। मान लेते हैं क्या है कि एडजेसेंट एंगल ऑफ 4/5 ऑफ एडजेसेंट एंगल, इफ एन एंगल ऑफ पैरेलोग्राम इज 4/5, मान लेते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एक्स है, लेट एंगल ए इक्वल्स टू एक्स, तो एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल बी इक्वल्स टू कितना होगा 4/5, मतलब 4/5x, ठीक है, ये होगा। अब जैसे उसमें बनाए हुए थे वैसे इसमें भी बनेगा, इसलिए हम इसको क्वेश्चन को यहाँ पे बताना चाह रहे थे आपको। ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनेगा जैसे भी आप बना के रखे हुए थे, ठीक है। आप इसको ऐसे ही बना लेंगे आप, यहाँ से हम आपको ये क्वेश्चन यहाँ से आपको बता रहे हैं, आपको इस चीज़ को आप इससे समझेंगे और इसी से आप बनाएंगे, आप इसी टाइप के क्वेश्चन है ये आपका। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ को इंटीरियर एंगल होगा ये, और ये को इंटीरियर एंगल का जो है उसके बाद यहाँ से लिखेंगे आप, ठीक है, इसके बाद यहाँ से लिख लेंगे आप इसका, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे। अब ए बी सी डी से पैरेललोग्राम जो ए डी पैरेलल टू बी सी है, ए डी पैरेलल टू क्या है बी सी, और ए बी क्या है ट्रांसवर्सल है। ए का वैल्यू कितना है आपका, देखें ए का एक्स है और अगला क्या है 4/5x इक्वल्स टू 180 है, तो ये क्या होगा 5x और 4x क्या होगा 9x बाई 5 इक्वल्स टू क्या होगा 180 होगा, तो ये कट जाएगा 9 × 2 = 18, तो 18 होगा, ये होगा x इक्वल्स टू क्या होगा 100 हो जाएगा। और आपको पता होगा एंगल ए किसका इक्वल होगा, सी का इक्वल होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंगल ए इक्वल्स टू सी हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना है, देखिए ए का वैल्यू कितना है एक्स, ये कितना आ गया 100 आ गया,
और b इक्वल्स टू कितना है d, तो b इक्वल टू d का मतलब क्या होगा 4x/5। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 × 100 डिवाइडेड बाई 5, कटाएंगे 20 टाइम, तो ये आपका एडी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप इसको बना लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ एन ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो आप यहाँ पे कोई भी एक एंगल ले लें, ट्वाइस, सपोज ये आपका एक एंगल है ABCD, ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ, तो ये आपका ये अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये ABCD पैरेललोग्राम है तो आपको इसमें स्मॉलेस्ट एंगल ले लेते हैं A, A इक्वल्स टू क्या है स्मॉलेस्ट एंगल, A इक्वल टू क्या है स्मॉलेस्ट एंगल है, और B इक्वल्स टू क्या है ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ये वन ऑफ इट्स एंगल 30 लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है, लिखा हुआ ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो ट्वाइस स्मॉलेस्ट एंगल को हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स लेते हैं। तो यहाँ पे जो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इफ वन ऑफ इट्स एंगल, अगर यहाँ पे एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू क्या है ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल 30 लेस, 30 मतलब क्या होगा 2x - 30°, ये आपका आ जाएगा बी का वैल्यू। और आपको पता होगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ ये पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू सी, और ए का वैल्यू कितना है बताएं, ए का वैल्यू एक्स माने हैं, तो एक्स हो जाएगा। एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा एंगल डी, तो ये आपका क्या होगा 2x - 30। अब यहाँ पे सारे का सम कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से कोऑर्डिनेट का सम 360 होता है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360, ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी होगा। ए का वैल्यू दिया हुआ, एंगल ए का वैल्यू कितना देखें एक्स, बी का कितना है बी इक्वल्स टू क्या है 2x - 30, सी का वैल्यू कितना है एक्स, डी इक्वल्स टू कितना है 2x - 30 इक्वल्स टू क्या है 360। तो यहाँ से लिखेंगे आप एक्स एक्स से एक्स कितना होगा 2 × 2 = 4 × 2 = 6x होगा -60 इक्वल्स टू क्या है 360। सो 6x इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 360 + 60, तो ये आ जाएगा 6x इक्वल्स टू होगा 420। सो एक्स इक्वल्स टू 420° / 6 मतलब क्या होगा 70°। ठीक है, ये एक्स का वैल्यू निकल गया, एक्स का वैल्यू निकला मतलब ए इक्वल टू सी है, ये आपका 70 है क्योंकि ये आपका एक्स डिग्री है। और एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा डी, तो बी इक्वल्स टू डी कितना है 2x - 30, तो 2 × x का वैल्यू 70 - 30, तो 72 × 140 - 30, तो ये आपका 110 आ गया। ठीक है, तो ये इसका नंबर 9 देखेंगे आप क्या लिखा है, ABCD जो पैरेललोग्राम इन विच AB इक्वल्स टू 9.5 cm एंड इट्स पैरामीटर इज 30 cm, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ पैरेललोग्राम। सपोज ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है और ये पैरेललोग्राम का साइड हुआ क्या ABC और D, ये जो है इसका पैरेलल भी है और ये क्या है ये इक्वल भी है, ये इसका पैरेलल भी है और ये इक्वल भी है। आपको AB इक्वल्स टू कितना है 9.5 cm दिया हुआ है, तो आपको पता होगा अगर AB 9.5 तो ये भी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा इक्वल होगा। तो आप लिखें यहाँ पे वी हैव AB इक्वल्स टू 9.5 cm। ठीक है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, हेंस अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या इंप्लाई करेगा आपका, अपोजिट साइड ऑफ ये पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा AB इक्वल्स टू क्या होगा DC 9.5 cm। अगला क्या है BC इक्वल टू क्या ले लेते हैं AD, BC इक्वल टू क्या है AD, इसको हम लोग ले लेते हैं x सेंटीमीटर, तो ये रहा x, ये रहा x, सारे साइड को ऐड करेंगे, पैरीमीटर दिया हुआ है, पैरीमीटर इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना है 30 cm, तो यहाँ पे सारे साइड को ऐड करें यहाँ, तो यहाँ होगा AB + BC + CD + AD इक्वल्स टू क्या है 30 cm। ठीक है, तो AB का वैल्यू कितना है 9.5, BC कितना x, फिर क्या है CD 9.5, फिर क्या है x इक्वल्स टू 30, तो क्या होगा दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे x x 2x होगा 9 9
18 29 होगा, सो 2x इक्वल्स टू 30 माइनस क्या होगा 19, सो 2x इक्वल्स टू क्या होगा 30 में 19 11 होगा, सो x इक्वल्स टू 11 बाई 2 मतलब क्या होगा 5.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये आपका निकलेगा। ये x किसका इक्वल होगा बताइए, ये BC इक्वल टू 80 आ जाएगा जो आपका 5.5 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का फर्स्ट बता रहे हैं, आपका यहाँ लिखा हुआ ABC इज रॉम्बस फाइंड एक्स एंड वाई। आपका यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें वन बाय करके बताएंगे आपको। तो सबसे पहले तो आप ये जरूर समझ लें, रॉम्बस एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें सारा साइड क्या होता है इक्वल होता है। आप लिखते हैं यहाँ पे ABCD इज ए रॉम्बस, ABCD इज रॉम्बस, सो रॉम्बस का ऑल साइड्स इक्वल होगा और ये पैरेललोग्राम भी होता है, तो इसको लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू क्या है 80। ठीक है, अब यहाँ पे समझें आप ये वाला ट्रायंगल में, और एंगल जो होगा यहाँ पे एंगल जो ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल B इक्वल टू D होगा। तो आप लिख दें कि ऑपोजिट एंगल ऑफ ये पैरेललोग्राम ऑफ ये पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एंगल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एंगल डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ट्रायंगल भी देखिए आप, इन ट्रायंगल ABC तो आपको यहाँ पे देखें ये दोनों साइड क्या है इक्वल है, तो जब भी साइड इक्वल होगा तो एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, आप देख समझ लें सर, ये एंगल जो ये साइड ये बी है ये क्या ए है ये क्या है सी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना बी का वैल्यू 110 दिया हुआ है और ये जो है एक्स है, तो ये आपको पता होगा ये दोनों साइड इक्वल होने से ये भी क्या एंगल इक्वल होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख दें यहाँ पे दिया हुआ है क्या ABC ये दिया हुआ है ABC, तो आपको पता होगा लिखेंगे यहाँ पे अपोजिट एंगल अपोजिट लिखते हैं यहाँ पे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ये ट्राइंगल आर इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल बी ए सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एक्स। अब ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल में तो एंगल का तीनों एंगल का सम क्या होगा मतलब एक्स प्लस एंगल क्या है 110 इक्वल्स टू होगा 180 क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्स एक्स क्या होगा 2x होगा इक्वल्स टू क्या होगा 180 माइनस 110, सो 2x इक्वल्स टू क्या होगा 70 डिग्री, सो x इक्वल्स टू 70/2 तो क्या होगा ये 35 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 35 डिग्री आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गया आपका x का। अब यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ADC में आपको जैसे आपको दिए अभी तीन बताए थे वैसे ही आपका यहाँ पर भी होगा। ये आपका DAC ये क्या है Y है, तो ये भी क्या होगा Y ही होगा, और यहाँ पे AD का वैल्यू कितना है 110, ये भी वैल्यू कितना निकलने वाला है। उसी तरह सिमिलरली लिखेंगे आप Y+Y इक्वल्स टू क्या 110 इक्वल्स टू 180, सो 2Y इक्वल्स टू क्या होगा 180 माइनस 110 इक्वल्स टू क्या 70, सो y इक्वल्स टू क्या होगा 70 माइनस 2 इक्वल्स टू 35 डिग्री। इसका भी आंसर, तो आप सबसे पहले अगर रॉम्बस है तो आप समझेंगे कैसे इसको बनेगा ये। ठीक है, आपको पता होगा डायगोनल ऑफ रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, ये आपका क्या होगा राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ABCD इज ए रॉम्बस। ठीक है, ये आपका एक रॉम्बस है, हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट डायगोनल ऑफ रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग 90 पे बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये आपका 90 होगा, ये भी क्या होगा 90 होगा। तो अब यहाँ समझे ये 90 होगा, ये ट्रायंगल लेते हैं पहले, ये ट्रायंगल कौन सा होगा OA और ये क्या है B, ये तो 90 है और ये क्या है 40 डिग्री है और ये क्या है X है। तो आप ले लेंगे इसका वैल्यू ट्रायंगल ट्रायंगल AOB, सो क्या होगा एंगल AOB
प्लस ट्राइंगल एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होगा। तो ये यहाँ ए ओ बी का वैल्यू कितना 90 है और ये ओ ए बी का वैल्यू कितना ओ ए बी ओ ए बी का कितना 40 है और ओ बी ए का कितना है ओ बी ए का कितना एक्स है इक्वल्स टू क्या है 180। तो यहाँ से इसको एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 180 माइनस 9 और 90 40 कितना होगा 130 130 इक्वल्स टू कितना होगा 50। सो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। अब हम लोग को वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वाई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देखें, अगर ये एक्स है ठीक है, हम लोग वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये वाले ट्रायंगल में ठीक है, ये वाले ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, ये वाला, इसमें क्या होगा इन ट्रायंगल आप देखें, इन ट्रायंगल ए बी डी ए बी डी, तो आप देखें इस चीज़ को, ये आपका क्या है ए है, ये आपका बी है और ये क्या है डी है। ये आपका ए बी डी में क्या देखेंगे, ये जो है ये दोनों है, मतलब ए डी इक्वल्स टू ए बी दिया हुआ, ए डी इक्वल्स टू क्या है ए डी इक्वल्स टू ए बी दिया, इसका मतलब ये जो एंगल होगा कौन सा एंगल, ये आपका एंगल ए बी डी, ए बी डी का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ एक्स डिग्री दिया हुआ, तो आपका उसी तरह क्या होगा ए डी बी भी क्या होगा ए डी बी भी इक्वल होगा। तो आपका यहाँ पर भी ये क्या होगा 50 होगा, ये वाई दिया हुआ है तो आपको पता होगा अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, एंगल अपोजिट लिखे आप, एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, ये क्या होगा इक्वल होगा। और जैसे अगर ये इक्वल होगा इसको लिख सकते हैं हम लोग डी बी सॉरी डी बी ए इक्वल्स टू क्या होगा ए डी बी इक्वल्स टू एक्स इक्वल टू वाई इक्वल्स टू 50, ठीक है, ये आपका ये बन गया। ओके, तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है 10 का 3 में लिखा हुआ है, ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम दिया हुआ है और ये आपको फाइंड क्या करना है, आपको एंगल एक्स और वाई का वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कैसे बनेगा ये क्वेश्चन आपका, ये 62 है और ये 62 है आपका, ये 90 होगा आपका, तो आप यहाँ पे समझेंगे क्या क्या वैल्यू उसका निकलेगा। अगर ये 90 है, अगर ये 90 डिग्री है ठीक है, और आपको अगर 90 है तो आप यहाँ पे समझेंगे कि जो 90 प्लस एक्स ये जो वैल्यू निकल के आपका सामने आएगा, सॉरी ए इक्वल टू 62, ये भी क्या होगा आपका 62 ही होगा, ठीक है। तो आप लिखते हैं यहाँ पे ए बी सी डी जे रॉम्बस है, ए बी सी डी जे रॉम्बस, अगर ये रॉम्बस है सो आपका क्या होगा रॉम्बस इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 62 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ ये पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, ये चीज़ आपका दिया हुआ है। ए और सी का वैल्यू निकल गया आपका, वो कितना आया 62 आया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे ये एंगल जो होगा कितना निकल के आएगा, ये एंगल जो है उसको निकालना है, तो ये एंगल कितना निकल के आएगा आप देखेंगे, ये आपका एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स ही होगा, ठीक है, ये वाला एक्स है तो ये भी एक्स होगा क्योंकि अपो एंगल अपो ये दोनों साइड इक्वल, तो ये भी एक्स और ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये एक्स और ये एक्स आ गया यहाँ पे, तो ये वाला जो, तो ये आपका क्या होगा डी सी इक्वल्स टू बी सी मतलब एक्स, कितना एक्स का वैल्यू कितना आ गया 31। अब वाई का घटा तो अनुभव कितना आएगा इसका 59 आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो है हम आपको बताएंगे, यहाँ पे जो इसकी जो दोनों एंगल क्या होगा इसका बाइसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका x प्लस एक्स इक्वल टू 62 आया, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा 62, x इक्वल टू कितना आ गया 31 आ गया, ठीक है।
अब आपको देखना इन ट्राइंगल POC में, तो POC में ये आपका 31 हो गया और डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो ये क्या होगा 90 डिग्री। तो 31 प्लस 90 प्लस y = 180, यहाँ से वो y का जो वैल्यू कितना निकल गया 59 डिग्री बन गया। ओके।